हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू ऑल एट अलायंस आईएएस एकेडमी ऑनलाइन कोर्स वेयर वी डू द डेली एमसीक्यू ऑफ द 2021 करंट अफेयर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम इसमें अपने 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज के थ्रू कवर करते हैं, और इसमें आपको वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप आंसर्स टाइप करके। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें इस वीडियो में आप मेरे साथ होते हैं अभिषेक पाल, जो कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सो अब हम आगे आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। So the first question is regarding IPCC, which is the Intergovernmental Panel on the Climate Change. तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। सो पहला स्टेटमेंट इसमें है कि इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट इसमें ये कहता है कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द UNEP एंड WHO। आपको बताना है कि ये दोनों करेक्ट हैं या नहीं। सो आपके ऑप्शन आर लाइक ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। तब तक अभिषेक इसको ट्राई। ओके सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमें मिला है तो वो है आपका IPCC के बारे में। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसके स्टेटमेंट्स में लिखा है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें देख लेनी चाहिए वो है कि पूछा क्या गया है, कि करेक्ट पूछा गया है कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो उस वजह से कई बार हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ UN's बॉडी। बिल्कुल UN की एक बॉडी है, UN की जितनी बॉडीज़ है उन्हीं का एक सब पार्ट है IPCC, उसी के अंदर वर्क करता है ये। और सेकंड जो है इस्टेब्लिश्ड बाय UNEP। देखिए अगर सिर्फ आप UNEP की बात करते हो UNEP यहाँ पे सही होगा बाकी, लेकिन जब आप सेकंड पॉइंट पे आते हो WHO, नहीं WHO पे नहीं होता ये, WMO है यहाँ पे। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह कौन सा आता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सीधी सी बात है क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है, हेल्थ लग रही है कि आपको मेट्रोलॉजी लग रही है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से आप डायरेक्ट लिंक बनाना चाहेंगे तो आप मेट्रोलॉजी का बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए ओनली। बाकी लेट्स सी आगे आंसर क्या आता है। एब्सोल्युटली देखते हैं आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने भी अपने लॉजिक्स का यूज़ किया होगा। सो इसका आंसर है ए ओनली, जैसा अभिषेक ने बताया, क्योंकि यहाँ पे WHO नहीं, आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसकी एस्टैब्लिशिंग पार्टी में से एक है। सो IPCC के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो IPCC बेसिकली UN की बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपका काम करती है, और इसमें 195 मेंबर स्टेट्स हैं और इनका 3 वर्किंग ग्रुप के अंडर ये इसमें काम होता है। सो इतना ही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर ऑन ये आपके मेंस के जो आंसर राइटिंग होगी उसमें भी हेल्प होता है क्लाइमेट से रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं। सो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो इन द यूनियन टेरिटरीज द एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, वाइल इन स्टेट द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन There shall be a council of minister in each of the union territory to aid and advise the administrator who shall act in his/her discretion only in so far as any special responsibilities are concerned. आपको बताना है कि जो यहाँ पे आपकी बात करी गई है UTs के बारे में, states के बारे में, क्या वो सही है कि नहीं है, आपको incorrect statements में identify करना है। तो आपके options है A only, B only, both या none। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आप इसको एक बार ढंग से पॉज करके पढ़ के फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका UTs हैं मोस्टली न्यूज़ में रहती हैं, अभी पुडुचेरी न्यूज़ में था, दिल्ली न्यूज़ में था, तो आपको इसका आंसर देना है। तब तक अभिषेक इसको आंसर देते हैं। ओके सो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें हमारे को क्या कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप नॉर्मली जब भी आप बात करते हैं गवर्नर की या फिर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं, दोनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और ये एक तरीके से एक फेडरल सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो ये एक लिमिटेशन भी है। जब आप क्रिटिसिज्म करते हो गवर्नर का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो सबसे पहला पॉइंट हम जो भी लिखते हैं कि वो क्या होता है, एजेंट ऑफ सेंटर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है, हालांकि यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो ये रूल आउट हो जाएगा आपका कि ये तो इस आंसर में हमारे नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा गया है इनकरेक्ट और ये क्या हो गया, सही। सेकंड जगह पे क्या आ गया, गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, जब आप सेंटर में बात कर दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है तो वहाँ पर आ जाता है आपका प्रेसिडेंट।
लेकिन जब आप स्टेट में आते हो तो स्टेट में आपका हेड कौन होता है, वो होता है आपका गवर्नर। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका रूल आउट हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईच ऑफ द यूटी टू एड एंड एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन हु शैल एक्ट इन हिज और डिस्क्रिशन सो फार एज एनी। देखिए अगर इसके आधे पार्ट को आप इधर देखें तो बिल्कुल स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब उस पर बात आएगी वो अपने डिस्क्रिशन में कर सकता है। यह आपका आर्टिकल 239AA में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि कोई चीज़ उसको मतलब क्राइटेरिया से बाहर जा रही है तो वो अपनी डिस्क्रिशन से काम कर सकता है, बिल्कुल लिखा है। लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ पे ईच ऑफ यूटी, यहाँ पे सारी यूटीज़ नहीं है, पर्टिकुलरली कुछ यूटीज़ को दिया गया है। तो आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी ओनली। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जैसा कि अभिषेक ने कहा, इसका आंसर है बी ओनली, क्योंकि जो लॉजिक उन्होंने दिए हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो स्टेट होता है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपका गवर्नर कहा जाता है, लेकिन जो यूटीज़ होते हैं वहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एज एन एजेंट ऑफ प्रेजिडेंट कहा जाएगा। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें आपके एक्ट में ये बात करी गई है। तो अभी हम अगर थोड़ा सा गवर्नर, वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर हम थोड़ा सा गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपका आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया है। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके रिगार्डिंग अलग, फिर अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में आपका आर्टिकल 239 से लेकर 241 के बीच में आपका यूनियन टेरिटरीज़ की बात करी गई है। ओके, और इन्हीं यूनियन टेरिटरीज़ में फिर आपको बताया गया है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट होगा, अपना एक एजेंट जो होगा यूनियन टेरिटरीज़ में अपॉइंट करेगा, उसकी डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकती है। ओके, इस तरीके से काफ़ी डिटेल है, आप जब इसकी स्लाइड PPT डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी डिटेल नोट्स उसमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर जैसे कि हमने बोला कि गवर्नर एजेंट ऑफ सेंटर होता है, ओके, और जो बात चल रही थी कि क्यों ये न्यूज़ में है, तो क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके बीच में टसल चलता है। जैसे कि हमने रिसेंटली बहुत टाइम से हम एग्जांपल देख भी रहे हैं न्यू दिल्ली का। ओके, तो दिल्ली में क्योंकि वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड पावर्स को बढ़ाने से रिलेटेड एक बिल लाया गया है, ओके, और वहाँ पे फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स को कर्व करने की कोशिश करी जा रही है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। तो इसी तरीके से इसमें इसकी डिटेल्ड आपकी इंफॉर्मेशन हैं जो आप आगे फर्दर ऑन जब पॉलिटी के भी जो लेक्चर आपके चल रहे हैं उसमें भी आपका जो गवर्नर वाला सेक्शन आएगा वहाँ पे आप इससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग इसरो। अब हमें इसरो के बारे में कुछ सही बातें बतानी है, क्योंकि इसरो बहुत न्यूज़ में हमेशा सही न्यूज़ में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की। तो आपको बताना है कि इट वॉज़ फाउंडेड इन 1969 टू हेल्प एंड डेवलप एन इंडिजीनियस इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आपको बताना है कि क्या इसरो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है इट सक्सीडेड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इस्टेब्लिश्ड इन 1962। तो क्या ये इंडियन नेशनल कमेटी को सक्सीड किया था इसरो ने जो आपकी 1962 में बनी थी कमेटी। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टाइप करिए। ओके, तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले तो शुरुआत से देखते हैं, जब बैकग्राउंड आया था जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय एक बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, ना कि इसरो बना था। तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट डिटेल तो याद नहीं आ रही है, बट जितना मुझे याद है कि हाँ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो हमारा बनाया गया था कुछ 1969 में, तब हमारे जो थे मेन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उन्होंने बनाया था, और उसी वक्त के लगभग की ये बात है। तो आई थिंक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, इट सक्सीडेड द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, शायद ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही रिकॉल हो पा रहा है कि एक कमेटी बनाई गई थी उसके बाद इसरो को बनाया गया था। तो शायद इसका आंसर होना चाहिए बोथ, अगर करेक्ट पूछा है तो बोथ, यस करेक्ट पूछा है, तो यानी कि आंसर बोथ होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जैसे कि अभिषेक ने बताया, इसका आंसर बोथ है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही आपका करेक्ट है। इसरो आपका 1969 में बना था, लेकिन इससे पहले भी एक कमेटी आपकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इस्टेब्लिश किया था, और फिर इसी को आगे जाके इसरो बना दिया गया 1969 में। तो इसरो से रिगार्डिंग, वैसे तो इसरो में आपके फिर मिशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने यहाँ पे बात करी है।
और इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको 10 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको इनकरेक्ट बताना है। सो पहला स्टेटमेंट है, द लैंड पब्लिक ऑर्डर हेल्थ आर अंडर द यूनियन लिस्ट फॉर दिल्ली। द लेफ्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज़, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ बाउंड बाई द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड बोथ हैव टू वर्क हार्मोनियसली विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपको पता ही होगा कि हमारे उसमें तीन लिस्ट होती हैं, बेसिकली तीन लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको बताना है कि दिल्ली के लिए कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ यूनियन के लिए आपके सिक्योर करे गए हैं। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टाइप करिए। तब तक अभिषेक। ओके, तो दिल्ली का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है। हम जब नॉर्मल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर तो हमारे पे क्लियर डिमार्केशन होता है शेड्यूल 7 में, जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली का आप केस पढ़ते हो तो वहाँ पे तीन एक्सेप्शन दिए हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि आप बात करें नॉर्मली तो सीधा सेंटर को, तो वहाँ पे तीन क्या क्या चीज़ें, एक तो लैंड, एक सबसे पहली बात, पहले स्टेटमेंट जो गलत होता है वो होता है हेल्थ की वजह से। तो यहाँ पे हेल्थ नहीं आता, यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, और आई थिंक तीसरी लैंड ही होनी चाहिए शायद, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। दो चीज़ तो मेरे को क्लियर है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, बाकी शायद लैंड हो, हेल्थ नहीं होता है, इतना मैं क्लियर हूँ। क्योंकि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ हमेशा स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो इस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। दूसरा, जो ल्यूटेंट गवर्नर होते हैं वो बाउंड, देखिए यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बाउंड है कि नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जब आप स्टेट की बात करते हो तो स्टेट में जो गवर्नर है वो बिल्कुल बाउंड होता है एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे गवर्नर उनकी एडवाइस के बाहर जाके एक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में बाउंड नहीं होता, वो एड एंड एडवाइस उसे मिलेगी, बिल्कुल मिलती है और दी भी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बाउंडिंग लिखा है ना, बाउंडिंग नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होता है। तो इसका जो ओवरऑल आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बोथ। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है इसका बोथ, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जहाँ पे आपका हेल्थ है वहाँ पे आपका पुलिस आएगा, और दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पे ये बोला गया है कि बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस, ये आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, या फिर उन्होंने ये कहा था कि एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सुप्रीम होती है, इसीलिए तो क्या जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसकी एडवाइस बाउंड होनी चाहिए आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। सो इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा दिल्ली का स्टेटस देखें तो आर्टिकल 239AA, याद रखिएगा कैपिटल ए की बात करी गई है यहाँ पे आपका दिल्ली के बारे में बताया गया है, और किस तरीके से यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पार्लियामेंट जो होगा वो किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा, और पब्लिक ऑर्डर जैसे कि क्वेश्चन में भी था, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर को आपका स्टेट के सॉरी जो दिल्ली है उसके उससे बाहर रखा गया है। और फिर यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स वगैरह काफ़ी एक्सप्लेन करी गई हैं, आप फर्दर ऑन से पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो एड एंड एडवाइस, तो ये जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि कोर्ट ने कहा था कि ये आपका बाउंड होना चाहिए, ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, तो जजमेंट्स के थ्रू ये बात करी गई है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में इतना हो जाता है। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कम चांसेस हैं यूपीएससी में आने के, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक एनी चांस, और हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। सो नेशनल सिविल सर्विस डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपके ऑप्शन हैं 21 अप्रैल। सो वीडियो को पॉज करिए, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। जैसे कि आपने बात ही की है कि ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता नहीं अगर कभी पूछ लिया जाए या वन ऑफ द स्टेटमेंट आ जाए, अगर सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ हुआ तो वन ऑफ द स्टेटमेंट आ सकता है कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये है, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कब होता है तो हम उस स्टेटमेंट को भी गलत कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि फैक्चुअल क्वेश्चन हमें हमेशा छोड़ ही देने चाहिए या नहीं करने चाहिए, फैक्चुअल भी हमें साथ ही साथ में याद रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, 2 दिन पहले ही न्यूज़ में था, इसका जो आंसर है वो आपका 21 अप्रैल है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, जो कि
21 अप्रैल जैसा अभिषेक ने कहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी कल परसों ही ये न्यूज़ में था। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसीलिए ये डे इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि इस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एड्रेस किया था पहला जो आपका बैच था उसको। सो बेसिकली उन्होंने ही सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन पता है वो प्लीज़ इसको कमेंट करना, और जिनको नहीं पता वो जाके इसको ज़रूर सर्च करना। पहले इंडियन कौन थे जो सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हुए थे प्री इंडिपेंडेंस, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो नॉर्मल सा इतना कुछ ज़्यादा ध्यान में रखना भी नहीं है हमें, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस का तो ध्यान रखना ही है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। तो क्या पता कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो साथ इसके साथ साथ आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार कर लेना। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को जैसा अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा वो पता होगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और आप लोग इसको जरूर कमेंट करके बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्टी इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में इनमें से कौन सी कंट्री है जो पार्टी नहीं है? अगर आपको हल्का पता होगा उसके बारे में तो दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग दी, ये बहुत सारी कंट्रीज़ का मिलके आपका एक बना है, 4 से 5 कंट्रीज़ का मिलके ये प्रोग्राम है। ओके, और वो इनका यूज़ करते हैं। तो आपके ऑप्शन है कैनेडा, जापान, रशिया, फ्रांस। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट से टाइप करें आंसर। और अभिषेक देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जब आप बात करते हो तो उसमें से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा मेरे को पता है। तो मेरे को सबसे पहले पता है कि रशिया बिल्कुल प्रोमिनेंट पार्टी है, क्योंकि नासा और रशिया इसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे। बाकी जो थी वो बाद में धीरे धीरे आगे जुड़ती रही, पर जो मेन था वो नासा और रशिया का था जिन्होंने सबसे आगे लिया था। तो रशिया हो गया, जापान, जाक्सा, क्योंकि मैंने याद किए थे, मैंने कंट्री के नाम से नहीं, मैंने उनकी स्पेस एजेंसी के नाम से याद किए थे। तो जाक्सा बिल्कुल जापान की है, तो जाक्सा हो गया। तीसरा कनाडा की, कनाडा और फ्रांस बच जाता है, तो आई थिंक जहाँ तक मेरे को लगता है कनाडा होना चाहिए, क्योंकि नासा भी है और बगल में कनाडा, तो आई थिंक दोनों का था लिंक। तो इन तीनों का तो है, ए बी सी का तो है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कौन सी कंट्री नहीं है, तो इसमें डी बचता है और आई थिंक आंसर फ्रांस होना चाहिए। देखते हैं आंसर इसका क्या है। बेसिकली आंसर इसका फ्रांस ही है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि अमेरिका की नासा, रशिया की रॉस्कोमोस, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड जापान की जाक्सा, ये सब इसमें पार्टीज़ हैं। फ्रांस का इसमें कुछ रोल नहीं प्ले करता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट में आपका रखा गया है, और इसको 1998 में लॉन्च किया गया था, और ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में आपकी रहती है। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का स्कोर अच्छा चल रहा होगा, जैसा अभिषेक का चल रहा है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको नॉर्थ टू साउथ में इन्हें अरेंज करना है। ये कुछ लोकेशंस हैं, तो लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो आपके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, बी ए सी डी, ए बी डी सी, या फिर बी ए डी सी। अब आपको इनको नॉर्थ टू साउथ में आपको इनको अरेंज करना है। तो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको लोकेशंस का थोड़ी बहुत पता है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो टाइम लीजिए थोड़ा और इसको आंसर को टाइप करिए। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत टफ क्वेश्चन है वैसे अगर आप बात करें तो, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जब मैं बताता हूँ कि अगर रेट करा जाए तो ये अच्छा खासा 9 या 10 उस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो अगर बात करें, अगर सीधा सीधा मैपिंग की बात करें तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ पा रहा, देखिए अंडमान और निकोबार की ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे इस तरीके से अंडमान होता है और इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे निकोबार प्रेजेंट है। तो शायद अगर इसमें लगाऊँ तो निकोबार सी और डी, तो डी सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे याद है ग्रेट निकोबार सबसे नीचे पे है। तो अगर डी को देखूँ मैं सबसे नीचे कहाँ कहाँ पे है, तो दो जगह पे, एक तो ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ये दो तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम आते हैं तो इन दोनों को हटाते हैं, अब मेन आता है इन दोनों की लोकेशन में लिटिल अंडमान ऊपर है कि नीचे है। तो अगर मेरे को ध्यान आ पा रहा है, क्योंकि इतनी डीप में तो मैंने भी नहीं इसको कभी देखा है कि लिटिल अंडमान कहाँ पर है, अगर मैं इसमें लॉजिक लगाना चाहूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे को पता है 50-50 पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने का तो कुछ लॉजिक नहीं बनता। तो मैं इस पे जाऊँगा ए के साथ,
अब देखते हैं क्या होता है आंसर, देखते हैं क्या होता है आंसर लॉजिक्स का यूज़ किया गया है। आंसर है इसका बी ए सी डी, विच मीन्स इसका आंसर था बी वाला। तो आप इसमें मैप में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, फिर पोर्ट ब्लेयर है, फिर लिटिल अंडमान है, देन आपका कार निकोबार है, फिर आपका नीचे ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार है। तो इस तरीके से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं करने के लिए। तो ये बहुत डिटेल था, और इसी तरीके से आपके और चीज़ें भी आती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि न्यूज़ में भी ये चीज़ें रहती हैं। तो इसके साथ हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो डैश क्रिएट लेजिस्लेचर हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल से ये बता रहे, पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन जो है वो लेजिस्लेचर बनाता है पुडुचेरी के लिए। आपके ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटर या नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर टाइप करिए। यूनियन टेरिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में आप एक सिंपल सा लॉजिक जो मेरा लग रहा है वो ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात करिए लेजिस्लेचर की, और अगर हम बात करें इन सब में से लेजिस्लेचर बनाने की पावर है किस पे, यानी कि अगर लेजिस्लेशन आप सेंटर में बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूटी किसके अंडर आती है, सीधा सेंटर के अंडर आती है। और जब आप सेंटर में जाते हो और सेंटर में आप ये बात करते हो कि विधायिका का काम कौन करता है, तो सीधी सीधी बातें वो पार्लियामेंट करती है। तो इस क्वेश्चन में पूरे में जो मेरा लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर पूछा है कि यूटी के बारे में कौन बनाएगा, तो आई थिंक पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। बाकी देखते हैं आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखते हैं, काफ़ी नॉलेज का इसमें ऐसे ही लॉजिक लगते हैं, कई बार हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट हम अपने लॉजिक से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है इसका पार्लियामेंट, क्योंकि आपका आर्टिकल 239A में कहा गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट लेजिस्लेचर हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे बात करी गई है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये क्लॉज डाला गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बाकी इसमें डिटेल है कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बनाया था, आपका गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी फिर कई सारी बातें करी गई हैं। तो कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है या एक्ट में ये कहा गया है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है, तो ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रिवीजन के थ्रू आप इसे एक बार दो बार तीन बार रिवीजन करके आपको ये याद हो जाएगा कि कहाँ क्या बात कही गई है, क्योंकि यही वो प्लेस होते हैं, जगह होती है जहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जब हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज करते थे तो हम लोग भी बड़ा इसको डिस्कस करते थे कि यार सर ने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह होती है जहाँ आप जब क्वेश्चन गलत करते हो ना, आपको खुद दुख होता है यार ये मैं पढ़ के आया था और फिर भी मैं ये भूल गया कि प्रेसिडेंट था कि पार्लियामेंट था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ना होगा। मैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूनियन टेरिटरीज हो गया, दिल्ली हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स को आप जितना ज़्यादा हो सके, प्रेसिडेंट हो गया आपका, गवर्नर हो गया, तो इनको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहें। सो इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो श्री कृष्णा कमेटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। सो बेसिकली श्री कृष्णा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड आपको ये बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है वेटलैंड, दूसरा है बायलेटरल डायलॉग, तीसरा है डेटा प्रोटेक्शन, और चौथा है आपका नन ऑफ दी अबव। सो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि श्री कृष्णा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। ओके, तो श्री कृष्णा कमेटी ये तो मतलब बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर ही है, क्योंकि बहुत बार डिस्कस हो चुका है हमारी क्लास में भी, हम जब भी नोट्स बनाते थे तो ये हमने बहुत बार लिखा है। जैसे हमारा आर्टिकल 21A की बात आती थी राइट टू प्राइवेसी की, तो इसका जिक्र ज़रूर होता था। तो ये सीधा सीधा जाता है आपका डाटा प्रोटेक्शन में, तो ये बस इसका सीधा सीधा आंसर डाटा प्रोटेक्शन आता है। देखते हैं इसमें आंसर क्या है। जैसा कि अभिषेक ने बताया, इसका डायरेक्ट आंसर है डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था। ओके, वो न्यूज़ में भी था किस तरीके से उसमें प्राइवेसी के आपके क्लॉजेज़ हैं, किस तरीके से उसमें पावर एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ा है तो उसमें क्लासीफाई करा गया है डेटा को तीन टाइप में। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ कि कितने किस किस टाइप में डेटा को क्लासीफाई करा गया है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, बहुत ही टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि डेटा से रिलेटेड, डेटा जिसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस तरीके से इससे रिलेटेड बिल आ रहे हैं, क्या प्रोविज़न गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट
इज़ पब्लिश्ड बाय। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हर बार 2 से 3 रिपोर्ट आ ही जाती हैं न्यूज़ पे, सॉरी एग्ज़ाम में आपके, और UPSC में हो या फिर आपके और किसी भी एग्ज़ाम में हो। 2019 में भी पूछी गई थी, 2020 में भी पूछी गई थी, 19 की तो थी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, तो दो चीज़ बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिपोर्ट और एक इंडेक्स। जो भी इंडेक्स आ रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, उनकी कंपाइलेशन बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। वैसे तो बनी बनाई कंपाइलेशन हम भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि एक बार हमारी बन जाए तो हम लोग भी उसको सर्कुलेट कर देंगे, नहीं तो आप लोग भी ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपको खुद से नहीं लगाने कि हर रिपोर्ट को जाके सर्च मारा तभी करा, आपको बनी बनाई ऑलरेडी मिल जाएंगी, आपका काम ईजी हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, इसका आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। क्योंकि इसमें आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, तो क्योंकि IMF की भी कुछ गिनी चुनी ऐसी आती है, क्योंकि IMF भी 2-3 रिपोर्ट निकालता है जिसके नाम की शुरुआत में ग्लोबल लगता है, लेकिन बस हाँ ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है बी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो जैसा अभिषेक ने कहा इसका आंसर वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और रिपोर्ट निकालती है, न्यूज़ में भी रहती है हमेशा, और इंडिया की रैंकिंग उसमें काफ़ी डिस्कस करी जाती है। अब इन्होंने तो बोल दिया। चलो एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और आपके प्रेस से रिलेटेड वो रिपोर्ट है, तो अब आपको बताना है कि वो रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। इसमें नहीं पता लगे ना तो मेरे को मैसेज करने में बता दूंगा। तो आपको बताना है कि वो रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, और आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसी के साथ ही हम आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे, डिस्पाइट कि हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके करंट अफेयर्स अच्छे से कवर होते रहें। और एक और चीज़ जो हम लोग अब सोच रहे हैं इसको बढ़ाने की, कि हम चाह रहे हैं कि इसमें शायद थोड़े से स्टैटिक्स के क्वेश्चन और जो हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हो चुकी है डिस्कस या जो यहाँ पे आप लोग कर चुके हैं उन्हीं का दोबारा से आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन लाए अच्छे तरीके से, आप लोगों को भी पता लगे कि और क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं या स्टैटिक्स में से आपको किस किस तरह की हेल्प मिल सकती है। तो उसको भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। बस एक यही अनाउंसमेंट थी आप लोगों के करने के लिए, बाकी तो हमारी तरफ से सेशन आज का फिनिश होता है। थैंक यू सो मच गाइस।